ये माया की नगरी मुंबई है, यहाँ रातों को लोग सोते नहीं है, जिंदगी दांव पे लगा देते हैं चंद पैसों के लिए, पेट की भूख कभी थकने नहीं देती। ये कहानी है मुंबई के दीपावार की, जहाँ पूरी रात थिरकती ये बार वालाएँ अब सबकी नज़र में आ गई हैं। दरअसल इन दिनों मुंबई में डांस बार पर तमाम तरह की पाबंदियाँ होने के बाद भी मुंबई में अवैध तरीके से रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं। मुंबई के अंधेरे इलाके में पुलिस ने छापा मारा, जहां से 17 लड़कियों को बरामद किया। बता दें, पुलिस को लड़कियों को ढूंढने में तकरीबन 15 घंटे का समय लगा। जिस कमरे में लड़कियों को छिपाया गया था, वहां पर उनके खान पान का पूरा इंतजाम किया गया था। जिस तहखाने में लड़कों को छिपा रखा था, वो कांच के पीछे बना था। पुलिस हथौड़े से दीवार तोड़कर वहां पर पहुंची। कमरे में अंदर एसी और बिस्तर तक लगे हुए थे। पुलिस ने 17 बार डांसर को दीपा डांस बार से बरामद किया और इस दौरान बार के मैनेजर और कैशियर को भी अरेस्ट कर लिया। दरअसल मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा के अधिकारी को एक एनजीओ से ये शिकायत मिली कि बार में कोरोना से जुड़ी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर रोजाना भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। बार पूरी तरह रात खुला रहता है और पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस यहाँ पर छापा मारने के लिए पहुँची और 17 बार वालाओं को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।